Hello, good morning students. How are you? I hope you all are fine. Today we will start exercise self practice 2B. हमने अपने पिछले क्लास में 2A कंप्लीट करी थी, आज हम करेंगे 2B. ओके, 2B का फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स एंड पुट लेस देन ग्रेटर देन इन द सर्कल्स. हमें क्या करना है, वी हैव अ सम नंबर्स. ओके, हमें उन्हें कंपेयर करना है. वी हैव टू कंपेयर द नंबर्स एंड हमें कुछ सिंबल्स गिवन है, ग्रेटर देन लेस देन. हमें इन सिंबल्स को उन बॉक्स में यूज करना है. आपको बॉक्स दिख रहे हैं, उस बॉक्स में हमें क्या करना है बच्चों, इन्हें राइट डाउन करना है. तो पहले हमें कंपेयर करना है. चलिए हम कंपेयर करना सीखते हैं. नंबर्स को हम कैसे कंपेयर करते हैं, जैसे कि हमने पिछले क्लासेस में हमने अंडरस्टैंड करा था, जो नंबर्स हैं नंबर्स की जो प्लेसेस होती है उनकी हमने वैल्यूज जानी थी, उसी के बिहाफ पे आज हम क्या करेंगे, नंबर्स को कंपेयर करना सीखेंगे. ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, इन बोथ नंबर्स, दोनों ही नंबर्स में हम देखेंगे कि कितने डिजिट्स हैं. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 इट मीन्स दोनों ही साइड कितने हैं, देर आर 7 नंबर्स. तो इट मीन्स जो नंबर्स हैं वो तो डिजिट तो सेम है. अब हम करेंगे जो सबसे ग्रेटेस्ट वाली वैल्यू है, जो सेवंथ प्लेस पर है. ओके, उसको हम कंपेयर करेंगे. व्हेन वी विल सी कि हेयर इज 3, हेयर इज आल्सो 3, हेयर इज 8, हेयर इज आल्सो 8, हेयर इज 5, हेयर इज आल्सो 5, हेयर इज 0, हेयर इज आल्सो, हेयर इज 0, हेयर इज आल्सो 0, हेयर इज 9 एंड हेयर इज 0. जब आप देखेंगे कि हम फिफ्थ प्लेस वाली वैल्यू पर आए, लेफ्ट हैंड साइड से जब फिफ्थ प्लेस वाली वैल्यू पर आए, तो हमने देखा कि देयर इज 9 एंड देयर इज 0. यहाँ क्या है, 9 है और यहाँ क्या है, 0 है. इट मीन्स 9 जो है ग्रेटर है किससे, 0 से. ओके, तो ये वाली वैल्यू क्या है बच्चों, ये वैल्यू हो गई इस वैल्यू से बड़ी. तो जब ये वैल्यू ग्रेटर होगी तो हम ऐसे सिंबल का यूज करेंगे. इट मीन्स दिस इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू. ओके, ऐसा ही आपको इसका बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट है, ई एंड एफ पार्ट आपको सॉल्व करना है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर टू, फिल इन द स्मॉलेस्ट नंबर इन द बॉक्स टू मेक द गिवन स्टेटमेंट ट्रू. हमारे पास कुछ नंबर्स है, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ए पार्ट है, ए पार्ट में हमारे पास 72, उसके बाद ब्लैंक है, देन 93, और ये नंबर क्या है, इस नंबर से ग्रेटर है, सिंबल है. तो सिंबल, इस सिंबल का मतलब क्या है, दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर. ओके, तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर है ना स्मॉलेस्ट नंबर लिखने हैं. क्या लिखना है, फिल इन द स्मॉलेस्ट नंबर इन द बॉक्स टू मेक द गिवन स्टेटमेंट ट्रू. चलिए हम इसको भी कंपेयर करते हैं. जो सबसे लास्ट वाली वैल्यू है, हेयर इज 7, हेयर इज ऑल्सो 7, हेयर इज 4, हेयर इज ऑल्सो 4, एंड यहाँ पर ब्लैंक है और यहाँ क्या है, 4 है. उसके बाद देखेंगे आप जो वैल्यू है, इधर क्या है, 4 है. तो हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर यूज करना है और ये नंबर इससे बड़ा होना चाहिए. तो 4 से बड़ा क्या होगा बच्चों, 5. तो देन वी विल राइट 5. तो ये हो जाएगा 74593. तो इट मीन्स इट इज 74593 इज ग्रेटर देन 74486. ओके, तो ये क्या हो गया, इससे बड़ा हो गया. तो ऐसे ही आपको इसका बी पार्ट, सी पार्ट एंड डी पार्ट सॉल्व करना है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ स्लाइड को. क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर एंड लार्जेस्ट नंबर इन ईच. हमें क्या है, यहाँ पर दो पार्ट है, हमें स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट, कौन सा नंबर, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, दोनों ही नंबर फाइंड आउट करने हैं. तो चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं. हम पहले क्या करेंगे, वैल्यूज चेक करेंगे, जो डिजिट्स है सभी क्वेश्चन में क्या डिजिट्स इक्वल है. चलिए स्टार्ट करते हैं. हेयर इज 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9. हेयर इज 9, 3 to 5, 5 to 7 एंड 7 और 1 8. यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 8 है. 3 to 5, 5 to 7 और 1 8. यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है. 3 to 5, 5 to 7 to 9. ये भी 9 वाली वैल्यू हो गई, ये भी 9 वाली हो गई, ये दोनों 8 वाली है. नाउ इन दिस 6, 3 to 5, 5 to 7, 7 और 1 8. इट मीन्स इसमें भी 8 है. तो हमारे पास दो वैल्यूज ऐसी है, एक है 71 वाली और एक है ये 72 वाली. ओके,
तो ये दोनों ही वैल्यूज कैसी है बच्चों, ये 9 डिजिट्स है इनके अंदर, कितने डिजिट्स हैं, देयर आर 9 डिजिट्स इन बोथ नंबर। तो अब हम चेक करेंगे कि इन दोनों में ग्रेटर कौन है। ओके तो यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, इट मीन्स 2 इज ग्रेटर देन 1। तो ये वाली जो वैल्यू हो जाएगी, इस वाली वैल्यू को हम क्या लिखेंगे, दैट इज ये हो जाएगा हमारा लार्जेस्ट। क्या हो जाएगा बच्चों, जब इसको हम लिखेंगे, इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 में, जो इसका ए पार्ट है, ए पार्ट का लार्जेस्ट, ओके लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है बच्चों, ग्रेटेस्ट वैल्यू जो होगी 7 2 0 1 0 0 0 4 3। तो ऐसे हम जो ग्रेटेस्ट है वो लिख देंगे, इसी टाइप से सेम है, हम क्या करेंगे जो इसका स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट भी फाइंड करेंगे। अब देखेंगे बच्चों हमारे पास 3 ऐसी वैल्यूज है, कितनी वैल्यूज है, वी हैव रिमेनिंग 3 वैल्यूज जिनमें कितनी डिजिट्स है, 8 डिजिट है। ओके तो अब हम उनको चेक करेंगे, तो देखेंगे यहाँ 8 है, यहाँ 4 है और यहाँ 9 है, जो सबसे ग्रेटेस्ट वाली प्लस वैल्यू है उसको देखेंगे। तो हमने देखा कि ये जो 4 वाली है ये सबसे स्मॉलेस्ट, अगेन वी विल राइट स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट लिख के क्या है स्मॉलेस्ट वाला नंबर उसको हम राइट डाउन कर देते हैं, दैट इज 4, 9, 5, 0, 1, 8, 7, 2। ओके ऐसे करके हम क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या करेंगे, राइट डाउन करेंगे। ओके अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बता देता हूँ असेंडिंग ऑर्डर। ओके असेंडिंग ऑर्डर, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी उसको हम सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद जो उससे बड़ी वैल्यू होगी उसको लिखेंगे, फिर उससे बड़ी वैल्यू, फिर उससे बड़ी वैल्यू, इट मीन्स सबसे पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। तो ऐसे जिन नंबर्स को हम प्लेस करते हैं दैट इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। ओके नाउ आई एम डूइंग फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। व्हेन वी विल सी हेयर इज 3 to 5 to 7 डिजिट्स, हेयर इज ऑल्सो 7, हेयर इज ऑल्सो 7 एंड हेयर इज ऑल्सो 7, इट मीन्स सभी में कितने हैं बच्चों, 7 7 है। हमें क्या करना है, सबसे छोटी डिजिट लिखनी है, सबसे पहले कौन से लिखनी है, सबसे छोटी डिजिट। तो हम फाइंड आउट करते हैं, हेयर इज 4, हेयर इज 3, हेयर इज 1 एंड हेयर इज 4। तो सबसे छोटी कौन सी बच्चों, 19 वाली, कौन सी है, 19 वाली, ये आ जाएगा फर्स्ट नंबर पे, ये वाला हो गया। अब इससे बड़ी देखते हैं, इससे बड़ा 3, ये वाला आ जाएगा 2 पे। ओके एंड 3 के बाद 4 वाली 2 है, तो यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ 9 है, यहाँ 8 है, इट मीन्स ये आएगा 3 पे और ये आएगा 4 पे। हम फर्स्ट प्लेस पे इसे लिखेंगे, सेकंड पे इसे, थर्ड पे इसे और फोर्थ पे इसे। ओके तो ये हो जाएगा हमारा असेंडिंग ऑर्डर। ओके ये आपको अपने नोटबुक में ऐसे सॉल्व करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, सेम एज क्वेश्चन नंबर 4 की तरह करना है इसे। जैसे हमें क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या करा, सबसे पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, बट हमें इसमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 में पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे लास्ट में सबसे छोटा। तो क्वेश्चन नंबर 5 को आपको 4 की तरह करना है, बस उसे क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है, जो सबसे लास्ट में था उसको सबसे स्टार्टिंग में कर देंगे, इट मीन्स सबसे बड़ी वाली वैल्यू सबसे पहले। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ मैं इसे। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखेंगे, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म्ड बाई यूजिंग डिजिट्स। हमें क्या करना है, इन डिजिट्स को यूज करके जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा उस नंबर को हमें बनाना है। चलिए इसे हम बना के देखते हैं। मैं एक पेज ले लेता हूँ, उस पेज की हेल्प से हम क्या करेंगे, उस पर वो आपको बना के दिखाएंगे। नंबर से एक बार मैं राइट डाउन कर लेता हूँ, नंबर इज 2, 4, 6, 0, 9, 1, 3 एंड 7। ओके हमें इन नंबर्स का यूज करके क्या बनाना है बच्चों, स्मॉलेस्ट वैल्यू बनानी है। कौन सी वैल्यू बनानी है, स्मॉलेस्ट वैल्यू बनानी है, ध्यान रखिएगा जो आपको बोला है वही आपको बनाना है। स्मॉलेस्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो सबसे छोटा नंबर है 0 है, बट हम 0 को स्टार्टिंग में राइट डाउन नहीं करते हैं। ओके तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 राइट डाउन करेंगे, 1 के बाद दूसरे प्लेस पर 0, ओके देन आफ्टर 2
ओके, जीरो हो गया, वन हो गया, टू हो गया, देन थ्री, थ्री भी हो गया, देन फोर, फोर भी हो गया, फोर के बाद उससे बड़ा सिक्स, ओके सिक्स भी हो गया, देन सेवन। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं यूज़ करके, अब हम कॉमा प्लेस कर देते हैं पहले थ्री के बाद, फिर टू के बाद, जो हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू हो जाएगी, वर स्मॉलेस्ट नंबर इज 10,23,467, तो दैट इज 10,23,467, ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होगा। ओके, तो ऐसे ही आपको इसका बी पार्ट, ये सॉरी बी पार्ट नहीं था, ये क्वेश्चन नंबर सिक्स था। ओके, क्वेश्चन नंबर सेवन, राइट द लार्जेस्ट, हमें क्या करना है बच्चों, इसमें लार्जेस्ट वैल्यू बनानी है, तो लार्जेस्ट वैल्यू में हम बिल्कुल उसका अपोजिट करेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स का, पहले सबसे बड़ी वैल्यू, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। क्वेश्चन नंबर सेवन में हम रिवर्स में चलेंगे, पहले ग्रेटेस्ट, देन स्मॉलेस्ट, देन स्मॉलेस्ट, देन सबसे स्मॉलेस्ट, ऐसे करके हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सेवन, नाउ क्वेश्चन नंबर एट, राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ सिक्स डिजिट यूजिंग दीज नंबर्स, देर आर 1, 2, 3, 4, 5। अब हमारे पास यहाँ पर कितने नंबर है बच्चों, फाइव ही नंबर है, बट हमें बनाना क्या है, राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट सिक्स डिजिट नंबर बनाना है हमारे पास, बट नंबर कितने हैं बच्चों, नंबर है फाइव, तो कैसे बनाएंगे सिक्स वाले, चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं एक बार नंबर राइट डाउन कर लेता हूँ, नंबर इज 0, 2, 9, 0, 2, 9, 4 and 8, ओके ये है क्वेश्चन नंबर एट। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर एट हमें इसमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट भी बनाना है सिक्स डिजिट का और ग्रेटेस्ट भी बनाना है सिक्स डिजिट का। तो हम स्मॉलेस्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट बनाते हैं, ठीक है, स्मॉलेस्ट के लिए सबसे पहले सबसे छोटी डिजिट राइट डाउन करेंगे, सबसे छोटी डिजिट कौन सी है बच्चों, जीरो हम नहीं लेंगे, जैसा कि हमने अभी सिक्स क्वेश्चन में करा था, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक टू, टू के बाद हमें क्या करना है, जो सबसे छोटी वैल्यू है, क्योंकि हमारे पास वी हैव ओनली फाइव डिजिट्स, हमें बनाना कितने का है बच्चों, सिक्स डिजिट का बनाना है, तो हम क्या करेंगे, एक नंबर को रिपीट करेंगे, क्या करेंगे हम, एक नंबर, कोई भी एक नंबर है उसको रिपीट करेंगे, जब हम स्मॉलेस्ट बनाएंगे, जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है उसको हम टू टाइम्स रिपीट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, टू जो जीरो है उसे हम टू बार लिखेंगे, टू जीरो जीरो, ओके देन फोर एट नाइन, ओके ये हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा, तो ये हो गया स्मॉलेस्ट नंबर। ऐसे ही हम जब क्या करेंगे बच्चों, लार्जेस्ट, ओके जब हमें क्या बनाना है, लार्जेस्ट बनाना है, बनाना कितने डिजिट का है, सिक्स डिजिट का बनाना है, बट हमारे पास कितने डिजिट्स है, फाइव डिजिट्स है, तो हम इस ग्रेटेस्ट में क्या करते हैं या लार्जेस्ट में क्या करते हैं, पहले सबसे बड़ी वैल्यू राइट डाउन करते हैं। मैंने क्या कहा था, आपको एक नंबर रिपीट करना पड़ेगा बिकॉज वी हैव ओनली फाइव, तो हम नाइन को क्या करेंगे, जब हम स्मॉलेस्ट बनाएंगे, जो सबसे छोटा नंबर है उसको हमने रिपीट करा था, जब हम लार्जेस्ट बनाएंगे तो जो सबसे बड़ी वैल्यू हम उसको रिपीट करेंगे, तो डेट विल बी नाइन नाइन, देन उसके बाद छोटा है एट, नाइन नाइन एट फोर टू ज़ीरो, ओके तो ये हो गया लार्जेस्ट और ये हो गया स्मॉलेस्ट सिक्स डिजिट नंबर, दैट इज क्वेश्चन नंबर एट। नाउ क्वेश्चन नंबर नाइन, क्वेश्चन नंबर नाइन में क्या करना है, राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑफ सिक्स डिजिट नंबर बाय यूजिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6 such that three digit always appear the 100 place, जो थ्री है इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, हमें क्या करना है, जो थ्री है थ्री को ऑलवेज कहाँ रखना है, इसको हमें 100 की प्लेस पर, जब थ्री डिजिट इज ऑलवेज ऑन 100 प्लेस, जब वो क्या हो, हम उसे स्मॉलेस्ट में बना रहे हो चाहे हम ग्रेटेस्ट में बना रहे हो, उसे हमें क्या करना है, उसे हमें प्लेस करना है 100 के प्लेस पर, ओके तो मैं एक बार डिजिट राइट डाउन कर लेता हूँ अपने नोटबुक में, क्वेश्चन नंबर नाइन का 3, 9, 0, 4, 6, 2, ओके देखिए मैंने राइट डाउन कर लिया है क्वेश्चन नंबर नाइन का 3, 9, 0, 4, 6, 2, अब हमें क्या बनाना है, स्मॉलेस्ट, ठीक है स्मॉलेस्ट बनाना है, स्मॉलेस्ट के लिए सबसे पहले सबसे छोटी डिजिट, बिकॉज हेयर इज 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, हमारे पास यहाँ पर 6 है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटा उससे बड़ा,
उससे बड़ा हम क्या लिखेंगे, जीरो, क्योंकि जीरो को हम पहले लिख नहीं सकते थे, जीरो। अब हम थ्री लिखेंगे नहीं, क्योंकि थ्री हमें कहाँ यूज़ करना है बच्चों, थ्री हमें यूज़ करना है हंड्रेड की प्लेस पे, इट मीन्स जो बैक साइड से थर्ड नंबर पर हमें यूज़ करना है। ओके, तो हमारे पास थर्ड नंबर पे, ओके, देन वी विल राइट फोर थ्री सिक्स नाइन। ओके, अब आप देखेंगे कि जो हमारा ये है वंस प्लेस की वैल्यू, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, ओके, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैख, तो हमारी जो वैल्यू हो गई वो हो गई 2,04,369। जो थ्री है आप देख रहे होंगे, थ्री को मैंने कहाँ यूज़ करा है, हंड्रेड की प्लेस पर यूज़ करा है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला था कि वी शुड राइट थ्री ऑन द हंड्रेड प्लेस। अब हम इसी को क्या करेंगे बच्चों, जब इसे हम ग्रेटेस्ट में बनाएंगे या लार्जेस्ट में बनाएंगे, ठीक है, लार्जेस्ट में जब बनाएंगे उसका रिवर्स कर देंगे हम, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, ठीक है, फिर उससे छोटा, देन थ्री, ओके, फोर के बाद थ्री, देन टू, देन ज़ीरो, ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। अब इसमें भी देखेंगे आप, लार्जेस्ट में हंड्रेड की प्लेस पर क्या है, हंड्रेड की प्लेस पर थ्री मैंने राइट डाउन करा है, थ्री को हमें लार्जेस्ट में और स्मॉलेस्ट दोनों में ही क्या करना था, हंड्रेड की प्लेस पर राइट डाउन करना था, तो ऐसे करके हमने क्वेश्चन नंबर नाइन को सॉल्व करा। आप इसे अपने नोटबुक में राइट डाउन कर लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर टेन, राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट एट डिजिट नंबर बाय यूजिंग द फॉलोइंग डिजिट्स। हमारे पास क्या है, पांच डिजिट है, वी हैव ओनली फाइव डिजिट, बट हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट बनाना है एट डिजिट का। तो सेम एज जो हमने क्या करा था क्वेश्चन नंबर एट में यूज़ करा था, वैसे ही हम क्वेश्चन नंबर टेन में भी यूज़ करेंगे, बट हमें क्या करना है, फाइव है हमें बनाना है एट, तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक नंबर को तीन टाइम्स कर देंगे, जब स्मॉलेस्ट बनाएंगे जो सबसे छोटा नंबर है उसको हम थ्री टाइम्स इंक्रीज कर देंगे, ओके, जब हम ग्रेटेस्ट बनाएंगे तो जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको हम थ्री टाइम्स इंक्रीज कर देंगे, ओके, ऐसा ही आपको क्वेश्चन नंबर टेन भी सॉल्व करना है, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर एट। कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका सॉल्यूशन भेज दूंगा। तो आज हमने करा बच्चों एक्सरसाइज 2B, ओके, इन अवर नेक्स्ट क्लास वी विल कंप्लीट एक्सरसाइज 2C। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंड हुआ होगा, ओके, तो वीडियो को बच्चों लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।